हेलो गाइस, नमस्ते, कैसे काय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रूम से निकल के फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत नाश्ता किया। अभी मैं आई हूँ चिवले बीच। तो बहुत क्लीन बीच है और बहुत कम क्राउड है ये बीच पे। तो हम लोग आगे साइड से पीछे तो यहाँ पे कोई क्राउड नहीं दिख रहा है, तो मेन साइड में है, वहाँ पे थोड़ा सा क्राउड है। बट तो आप भी आ रहे हो तो पीछे साइड से आना और आपको कुछ बताती हूँ। कम हियर, कैसे है कि आपको पता है मैं मालवण में हूँ। अभी मैं मालवण में चिवले बीच पे हूँ और वहाँ जो आप पीछे देख रहे हो दैट इज सिंधुदुर्ग फोर्ट, जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। तो ये काफी फेमस है मालवण में। सो आपको मैं पहला बीच दिखा देती हूँ, फिर आप फोर्ट की तरफ जाएंगे। निकल के अभी हम लोग आए हैं सिंधुदुर्ग फोर्ट की तरफ, जैसे कि आप वहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि आप वहाँ पे देख सकते हो वो है सिंधुदुर्ग फोर्ट। तो वहाँ जाने के लिए ये जो ऐसे बोट से उससे जाना पड़ता है और यहाँ पे पर पर्सन यहाँ पे 100 रुपीज फोर्ट के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हो बोट से जाएंगे, आपको सब प्रोवाइड करेंगे, लाइफ जैकेट वगैरह सब कुछ, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है फोर्ट में जाने के लिए। तो यू हैव टू टेक दिस बोट विच कॉस्ट पर पर्सन 100 रुपीज। उनका बुकिंग ऑफिस है। सो अभी मैं वहाँ पे जाती हूँ और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप धूप के टाइम में मत आओ, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप है। तो थोड़ा धूप कम होने के बाद ही आना। सो ये आप देख रहे हो, ये पूरा इन्फॉर्मेशन ये फोर्ट के बारे में। तो आप एक बार इससे पॉज करके प्लीज पढ़ लीजिए तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होता है। तो ये जो आप बोट देख रहे हो ये स्कूबा डाइविंग के लिए जो लोग यहाँ पे आए हैं, तो अगर आपको करना है एक्टिविटीज़ तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। के बाद हम लोग पहुंच गए सिंधुदुर्ग फोर्ट की तरफ। और अब जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा स्पोर्ट्स एक्टिविटी होता है, तो वो भी आप कर सकते हो। बस आपका बैलिंग स्किल्स अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अपने बजट के हिसाब से करना बहुत सारा एक्टिविटीज है। तो अभी पहले फोर्ट पे जाते हैं, तो उसका पूरा एस्टिमेट टाइम मैं आपको बता दूंगी मेरे घूमने के बाद। तो थोड़ा फोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये फोर्ट जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज इनका है और ये फोर्ट के अंदर टोटल 37 फोर्ट्स हैं, जो आई डोंट नो पूरा एक्सप्लोर हो पाएगा कि नहीं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। ये जो फोर्ट है ये समंदर के बीचों बीच है, इसलिए यहाँ पे आने के लिए अपने को बोट लेना पड़ता है। सो काफ़ी क्लियर वाटर है जैसे आप देख रहे हो, और ये जो आप क्रैब देख रहे हो जो काफ़ी यूनिक कलर का है, तो काफ़ी मस्त लग रहा है ये। दरवाज़ा जो है ये
मेन दरवाजा है एंट्री के लिए सिंधुदुर्ग फोर्ट के लिए। आगे आने के बाद ये महादेव जी का मंदिर है जहाँ से एक गुफा निकलती है। ये गुफा को बोलते हैं शिवकालीन गुफा, जो कि ओजर जो एक प्लेस है सिंधुदुर्ग में वहाँ पे निकलती है। प्लेस को बोला जाता है दूध विहीर, मतलब दूध कुआं। आपको फोर्ट पूरा 360 डिग्री पे पूरा फोर्ट दिख जाएगा। पूरा रास्ता आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा, ऐसे ही स्टोन से ऊपर नीचे। बस थोड़ा ध्यान से चलिए क्योंकि दोनों साइड आप मतलब डेप्थ है तो गिरने का चांसेस है। बाकी ये फोर्ट को घूमने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मेक श्योर आप धूप से काफ़ी पहले आ जाओ क्योंकि यहाँ पे बहुत कड़क धूप लग रहा है। सो बहुत ज़्यादा जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर आप जल्दी आओ और जल्दी आके ये फोर्ट एक्सप्लोर करना चालू कर दो। जस्ट इमेजिन ये फोर्ट कैसा बनाया गया होगा, आई मीन पूरा समंदर के बीचों बीच और वो भी इतना परफेक्टली बनाया गया हुआ है, तो ये देखने आने के लिए तो बनता ही है।
फोर्ट एक्सप्लोर करने काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, दो दो ढाई घंटा लग जाएगा, तो आप वो उसी हिसाब से प्लान करके आओ। डाइविंग का तो आपने देख लिया, तो ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रहा है उसको बोलते हैं पैराग्लाइडिंग, जो कि आप देख रहे हो। तो जब बोर्ड से ये लेके जाते हैं एंड देन पैराग्लाइडिंग होता है। तो सिंधुदुर्ग फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं अपने अगले स्पॉट की तरफ। तो हम लोग और ये मंदिर के बाजू में ये बीच है जो कि आप देख रहे हैं। सो ये सामने है कुणकेश्वर मंदिर जहाँ अभी हम लोग जाएंगे। ये है कुणकेश्वर मंदिर जो कि मालवन में है, जो सिंधुदुर्ग फोर्ट से 1 आवर के ट्रैवलिंग पे ही है। जैसा कि आप देख रहे हो मंदिर के एग्जैक्टली सामने बीच है, जो कि काफी अच्छा व्यू दिख रहा है। सो ये व्लॉग में बस इतना ही, और आपको मेरा व्लॉग कैसे लगा प्लीज बताइए, लाइक शेयर कमेंट, और प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।